जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए देखते हैं खबरनामा। शिया वक्फ बोर्ड के फार्मर चेयरमैन वसीम रजवी ने एक बार फिर कुरान के मसले को उठाया है। वसीम रजवी काना दज्जाल जो नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर कुरान के मसले को उठाया है। वसीम रजवी ने कुरान में से 26 आयतें हटाकर इस जलील और कमीने कमजर्फ इंसान ने नई कुरान लिखाई है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी के साथ ही अनलॉक करने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार 1000 से कम नए केसेस आए हैं। केसेस जैसे ही कम हुए आवाम में अनलॉकिंग की उम्मीद बढ़ रही है। केजरीवाल हुकूमत ने ये कहा कि कोरोना केसेस कम होने के साथ ही धीरे धीरे दिल्ली में अनलॉकिंग की जाएगी और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ICU बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। तेलंगाना में कोविड के 3527 नए केसेस पाए गए हैं और 19 लोगों की मौत वाक़ हुई है। दिल्ली में कोरोना के 956 नए केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत वाक़ हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के 22,28,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है। पिछले 24 घंटों में 3617 लोगों की मौत वाक़ हुई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 687 नए केसेस सामने आए हैं और 19 मरीजों की मौत वाक़ हुई है। उत्तराखंड में अगले 12 घंटों में नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है और वहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इंडिया में 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। गवर्नमेंट ने 13-16% तक रेट में इजाफा कर दिया है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. An Institute of Success Schools. अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।